तो रास्ते में धूप बहुत है इसलिए गॉगल्स और चश्मा लगा लिए गॉगल्स और छाता भी ले लिए। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद है ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, फिर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस पे उठे थे और ये बस का मज़ा आ रहा है, गवर्नमेंट बस से। इसके बाद ट्रेन में आ गए हैं, देखिए अभी तो भीड़ नहीं है, नेक्स्ट स्टेशन पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। तो हम आराम से एक जगह खड़े हुए हैं, लोग मज़े से जा रहे हैं और ये भी देख पा रहे हैं सब कोई अपने अपने काम में बिजी है। ज़्यादातर लोग तो मोबाइल चला रहे थे या फिर मेट्रो, दमदम मेट्रो, और यहाँ से हमें जाकर मेट्रो लेना था। अभी देखते हैं कितने देर बाद मेट्रो मिलती है। तो ये आपको दिख रहा है रास्ता, ये गर्मी के कारण पसीना, मेट्रो में एसी है लेकिन फिर भी पसीने से हालत ख़राब। और मेट्रो जो है वो ट्रेन के मुकाबले थोड़ा सा खाली था, एसी है तो थोड़ा सही बात है। तो मेट्रो से हम उतरे एस्प्लेनेड, और एस्प्लेनेड के बाहर का नज़ारा है, यहाँ पे बस स्टैंड है और आसपास में जो दिख रहे हैं वहाँ पे टिकट मिलता है, खाने की भी सामग्रियाँ मिल जाएगी, और यहाँ पे जाके हमें मिनी बस लेना है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं स्टैंड रोड में, आ गए हैं और यहीं पे कस्टम्स हाउस। चलिए हम आपको दिखाते हैं स्टैंड रोड का नज़ारा कितना सुंदर है। तेरा स्टैंड रोड, बहुत ही सुंदर ग्रीनरी भी है और बगल में गंगा नदी भी है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं कस्टम्स हाउस और वहीं पे आज अपना ज्वाइनिंग होने वाला है। कलकत्ता की सड़कें बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे आप शाम को अकेले निकलिए, अलग ही आनंद आने वाला है। और आसपास में खाने की चीज़ें भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये जो हम देख रहे हैं शायद ये मिलेनियम पार्क है, बहुत ही सुंदर पार्क है, अभी तक गए नहीं है और होपफुली आज जाएंगे। तो कस्टम्स ऑफिस आ गए, देख रहे हैं कितना सुंदर बिल्डिंग, अभी हम ज्वाइन करने जाएंगे। तो ज्वाइनिंग हो गया है, अभी बोला गया थोड़ा बाहर बाहर घूम घूम के आओ या फिर ऑफिस वगैरह देखो, ऑफिस देख लिए, अभी थोड़ा बाहर निकले हुए। चलिए चाय। तो अभी आपने जिस भाई को देखा जिसके साथ हम चाय पी रहे थे, इनका नाम राकेश है, ऐसे तो एक साइज में पोस्टेड थे लेकिन अभी इनका पीओ में हो गया है। और मज़े की बात है कि इन्होंने अगले एग्जाम में 4 दिया है, 134 रैंक लेके आए हैं। तो हम दोनों मिलके वो सोचे कि चलो कहीं घूम ही लेते हैं। आगे है मिलेनियम पार्क, और मिलेनियम पार्क जो है गंगा नदी से सटा हुआ है, देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा। तो ज्वाइनिंग बैकग्राउंड सही है, ज्वाइनिंग हो गया है और आज का पैसा भी मिलेगा, लेकिन हम लोग आए हैं मिलेनियम पार्क घूमने। 1775 रुपए पर डे से ज्यादा हो गया ना, 1751 कैसे हो गया भाई? अरे 1775 में वहां 23,069 रुपए के आसपास आ रहा है। पर हमारे साथ एक टॉपर ससुरा फोड़ते रहता है, 100 कितना है 134 रैंक, 437 एक गर्दा एलिस। नमस्कार। तो भाई एक साइड से एक साइड नहीं रहना है, बीच में पीओ का है लिया अभी? नहीं पीओ में ही रहना है, अभी तो डिसाइड नहीं किया है, देखिए पीछे का। हाँ सही है, और कुछ बता नहीं कैसे लोगों को करना चाहिए? अरे सबको सब पता है कैसे पढ़ना चाहिए, बहुत सारे भरे हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स। बस वही काम करना है, लोगों से मोटिवेशन नहीं लेना है, नहीं बिना मोटिवेशन के पढ़ते हैं। तो जॉइनिंग वगैरह सब हो गया, अभी हम रूम लौट रहे हैं।